अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल फराह खान दिल्ली वाली। मैं हूँ ओमान में और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगी ओमान से जुड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स। दुबई से हम लोग वाया कार यहाँ पर आए और हमारी जो जर्नी थी कार वाली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इतना एडवेंचर, इतनी तेज़ बारिश थी कि आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देती हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे। ये देखिए दोस्तों, जिस दिन हम दुबई से ओमान के लिए निकले तो कुछ ऐसा नज़ारा था, चारों तरफ पानी ही पानी और इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं आपको बारिश की आवाज़ सुनाती हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बारिश कितनी तेज़ थी। और इतनी तेज़ बारिश में दुबई से ओमान जाना, वो भी कार से, तकरीबन 4-4.5 घंटे की ड्राइव, फुल एडवेंचर हो गया वो तो उस दिन। मज़ा तो बहुत आया, इस तरह के छोटे छोटे झरने देखने को मिले और इनको देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गई कि मैंने सैफी को बोला कि गाड़ी रोकते हैं और ये सब जो मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर करते हैं। ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे ओमान बॉर्डर, जहां पर हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और फिर फाइनली हमने ओमान में एंट्री ली। दोस्तों देखिए, ये तो गजब ही हो गया। उस दिन हम घर से चले थे तो बारिश हो रही थी, पूरे रास्ते दुबई में बारिश हमें मिली और जब हम ओमान पहुंचे तो वहां पे भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। और ये रहा हमारा होटल, फाइनली हम लोग पहुंचे अपने शानदार होटल। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अभी तक मैं बहुत सारी जगह पर गई हूँ, बहुत सारे होटल में स्टे किया है, लेकिन W मस्कट में स्टे करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था। बहुत ही खूबसूरत होटल है ये, स्टाफ बहुत अच्छा है और खाना बहुत कमाल का है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सी व्यू होटल है, यानी आप होटल में स्टे करने के साथ साथ समंदर की खूबसूरती का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों ये होटल हम लोगों ने booking.com के थ्रू बुक किया था 4 दिन के लिए और पे किए थे 4,000 दिरहम, यानी इंडियन रुपीस में अराउंड 91,000। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन जब आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो बिल्कुल पैसा वसूल वाला फील होता है। चलिए अब आपको जल्दी से एक क्विक रूम टूर कराती हूँ।
सो गाइज, अगर आप ओमान ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप इंडिया से ओमान आ रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे और किस तरह से वो आप अप्लाई कर सकते हैं? एंड फॉर यूएई रेजिडेंट्स, इफ़ दे आर प्लानिंग देयर रोड ट्रिप टू ओमान, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं? बिकॉज हम लोगों ने जो अपना रोड ट्रिप प्लान किया तो उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी. तो भारतीय नागरिक अगर ओमान ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें ई वीज़ा अप्लाई करना होगा, जो कि बहुत आसान है. उसके लिए आपको ओमान रॉयल पुलिस वेबसाइट पर जाना होगा. यहाँ पे इजीली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. ये जो 26E टूरिस्ट वीज़ा है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर 10 डेज. एंड फॉर दिस ई वीज़ा यू हैव टू पे 5 ओमानी रियाल, जिसको हम अगर इंडियन रुपीज में काउंट करें तो बनेगा तकरीबन 1,086 रुपए. तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और विद इन 2 डेज आपको ई वीज़ा मिल जाएगा. फॉर दी यूएई रेसिडेंट्स, जिस कार से आप जा रहे हैं वो आपके नाम पर होनी चाहिए और उस कार पर मॉर्गेज नहीं होना चाहिए. इसके अलावा यूएई से गाड़ी बाहर ले जाने के लिए आपको आरटीए से एनओसी लेना होगा. इसके अलावा व्हीकल इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स यू कवरेज इन ओमान इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. और अगर आपको ओमान बॉर्डर पर वीजा के लिए लंबी लाइन से बचना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही अपना ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर दें ताकि भीड़ से आप बच जाएं. तो अब बात करते हैं ओमान की करेंसी की, जिसे ओमानी रियाल कहते हैं. और एक ओमानी रियाल भारतीय रुपीस के 217 रुपए के बराबर होता है. तो आप एयरपोर्ट से मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैश कैरी करना हमेशा अच्छा होता है. अब बात करते हैं कि ओमान में आपको घूमना कहाँ है. तो मैं गई थी मस्कट, जो कि अपनी वादीज के लिए फेमस है. इसके अलावा आप सलाला जा सकते हैं, मुसंदम जा सकते हैं. तो आई वुड से कि एक बार आप गूगल करें और देखिए कि किस जगह की क्या खासियत है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप प्लान कीजिए. सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ. हम लोग दुबई से ओमान गए थे कार से और हमने ऑलमोस्ट पूरा मस्कट कार से ही कवर किया. आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी गाड़ी रोक सकते हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है. सो आई वुड से कि आप भी एक कार रेंट पर ले सकते हो. और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंडियन लाइसेंस होल्डर है वो वहाँ पर इजिली कार रेंट पर ले सकते हैं. ओमान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कार में घूमने का मजा अलग ही है. आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगी ओमान से जुड़े हुए व्लॉग. और अगर आप ओमान आ रहे हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. ओमान सीरीज़ मेरी ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद आपको ओमान की खूबसूरती और यहाँ का कल्चर और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी. तो मेरा चैनल फराह खान दिल्ली वाली ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. बाय बाय.